नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज भारत ऑनलाइन पर। आज हम आपको साइक्लोन अम्फान की लाइव ट्रैकिंग बताने जा रहे हैं। अम्फान चक्रवात 200 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह दोपहर के समय ओडिशा के तट से टकरा सकता है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है। सुपर साइक्लोन अम्फान के आज पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की संभावना है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने और भारी बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होगी और समुद्र में 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में काफी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि इसकी गति अभी और बढ़ेगी। साइक्लोन अम्फान आज दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हादिया में टकरा सकता है। चक्रवाती तूफान ओडिशा के पारादीप तट के पास पहुँचने वाला है। सुबह 8:30 बजे यह मात्र पारादीप तट से 120 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व में था। यह सुंदरबन के पास है। मौसम विभाग ने दोपहर तक इसके तट से टकराने की संभावना जताई है। तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा में 1704 कैंप बनाए गए हैं, साथ ही 119,075 लोगों को तटीय इलाके से दूर ले जाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। चक्रवात अम्फान अपने केंद्र में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कैंप्स के अलावा ओडिशा में 2000 से ज्यादा मकाने तैयार हैं, जिनमें जरूरत पड़ने पर तटवर्ती इलाके के लोगों को रखा जाना है। इससे पहले ही यहाँ मछुआरों और समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को वहाँ से हटा लिया गया है। ओडिशा में सुबह के करीब 4:30 बजे ही कुछ हिस्सों में 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। तटीय इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, साथ ही एनडीआरएफ की कई टीमें यहां तैनात की गई हैं। ओडिशा के भद्रक में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुमान है कि दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास चक्रवात ओडिशा के तट से टकराएगा। ऐसी ही कुछ दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।